बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज रेसिपी मैं बना रही हूँ, यानी नरगिस साजिद की बेटी। तो जी पहले हमने जो पिछली वीडियो में पनीर बनाया था उसको हमने ग्रेट कर लिया। ये उसी एक गिलास दूध में से बना हुआ पनीर है, इसको हमने ग्रेट कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पे मसाले लिए हैं, जिसमें कि हमने पिंक सॉल्ट जो कि हिमालयन सॉल्ट होता है वो डाला है। यहाँ पे हमने लिए हैं कुटा हुआ धनिया लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है, वैसे हम लोग नहीं यूज़ करते। और यहाँ पे मैंने हल्दी ली है आधी चमची, और काली मिर्चें हैं, और जी है यहाँ पे हमारे पास चाट मसाला। तो ये सारे अज्जा हैं जो कि हम मिक्स करेंगे, ये एंड में मिक्स करेंगे, और इससे हम बनाएंगे आज पनीर के पराठे। और तकरीबन ये सारा सामान दो पराठों के लिए इनफ है। तो जी चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने ये पनीर ले लिया, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से सारे के सारे मसाले डाल देंगे। सही है, सारे के सारे इसमें मसाले डाल देंगे। हर तरह जो भी चिपका हुआ है ना, ये भी हम डालेंगे, हमने ज़ाया नहीं करना। तो जी ये सारा कुछ जो है ना कि मसाले ज़ाया ना हो, अच्छी तरह से इस तरह से बनाया जाए सलीके से, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई हैं, यानी नरगिस साजिद ने। और अभी हमने देखेंगे इस तरह से डाल दिया है, ये बाद में ही डलेगा, ये जब पराठा हम लोग पेड़ा बनाएंगे उसके ऊपर डलेगा। तो जी आटा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा नॉर्मल ही गूंदा हुआ है। अब मैं जैसे हम लोगों ने बस ऐसे नाश्ते के लिए सोच लिया कि भाई पनीर पड़ा हुआ है तो अचानक से हम पराठे बनाए, तो हम वही वाला गूंदा हुआ आटा, उससे ही बहुत अच्छे पराठे बन जाएंगे। करना क्या है, हमने जैसे हम घी से गूंदते हैं वैसे हम उसके बीच में घी डालेंगे। अब ये हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नीचे से खुश्क आटा डाल दिया था, अब उसके ऊपर ये मैं पेड़ा अच्छी तरह से फ्लैट कर रही हूँ हाथों से। तो हमने इसको ऐसे फ्लैट कर लिया। अब हम इसमें जो ये हमने पनीर का मसाला बनाया हुआ है ये हम अच्छा खासा डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम घी ले लेंगे, थोड़ा सा, इतना सा घी लेना है। और हमने इसके बीच में डाला, अभी मैंने पूरी तरह से इसको इसलिए नहीं बेला क्योंकि ये बाद में ही बेला जाएगा, अभी सिर्फ हम इसमें पराठे के लिए पेड़ा तैयार करेंगे। ये मैंने मसाला लिया है, ये हम अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे, ठीक है, बस इतना ही मसाला जाएगा। अब हम इसको ऐसे करके सारा का सारा बंद कर लेंगे, जैसे मोमोज को किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से। करने के बाद हम इसको यहाँ से फ्लैट करेंगे, और देखें ये पेड़ा तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। तो चलिए, तो ये जो पेड़ा था उसकी जो ऊपर की साइड हमने बंद की थी, हम उधर उस साइड को ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड नीचे रख लेंगे। अब हम इसको मोटा सा बेलेंगे, ये रोटी नहीं है तो इसको मोटा ही बेला जाता है, वरना सारा मसाला आपका निकल जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। बीच 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 में हमने इससे खुश काटा लिया और उसको छिड़क दिया, और उसके बाद हम मजीद बेलेंगे, बस काफी है। तो हमने यहाँ पे तवे पे अच्छी तरह से तेल पहन के रखा, इसके लिए मैं सिलिकॉन का ब्रश यूज कर रही हूँ। और अब हम इसको ऐसे करने के बाद पराठा डालेंगे, लेकिन बहुत आहिस्ता से। मैं पराठा डालने लगी हूँ। अब मुझ में वो स्पेशल शक्तियां तो है नहीं कि मैं मम्मी की तरह ऐसे हाथ से ही पकड़ के इसको उल्टाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये वाली शक्तियां हमें नहीं आई। तो हम स्पैचुला यूज करेंगे और इसको ऐसे उठा के और इसको पलट देंगे इस तरह से। देखें इस तरीके से आप हाई फ्लेम पे अगर करेंगे तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी से जो बन रहे हैं वो ही बन जाएंगे। अच्छा, इस तरह से आप लच्छेदार पराठा बना सकते हैं, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं ये सिंपल वाला पराठा ही बना रही हूँ। तो हम यहाँ पे इस पर उसी सिलिकॉन ब्रश से हमने घी ले लिया है और उसको अच्छी तरह से इस पर फैला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में से ना ये फूलना शुरू हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है, जो घी है, वो अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। इस तरीके से देखें हमारा तकरीबन पराठा रेडी हो चुका है। और हम अभी देखिए इसकी जरा सी साइड जो है ना यहाँ से कच्ची थी, तो हम उनको पका लेते हैं। और तो बस इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपने कि ये जले ना,
देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी सा हो गया है और कितना मजे का लग रहा है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तकरीबन हमने दो पराठे ये बना लिए हैं और ये आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से मसाला वगैरह भरा हुआ है। घी पे हमने इसलिए कंजूसी नहीं की कि भाई बाहर से प्रोसेस चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप घर पे कोई हेल्दी सी थोड़ी फैट वाली चीज़ खा लें कभी कभार। और यहाँ पे मैंने केचप रखी है और बस ये हमारे नाश्ते के लिए दो पराठे रेडी हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी, अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है भाई। चलिए, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।